नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यूपी में सक्रिय हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक खास चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आज जनता को संबोधित भी किया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ की है। योगी सरकार के 4 साल पूरे। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम लिखी खास चिट्ठी। सीएम ने 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया। राम मंदिर के निर्माण से लेकर गन्ना किसानों के भुगतान तक योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस खुशी में योगी आदित्यनाथ ने जनता को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, राम मंदिर के निर्माण, गन्ना किसानों के भुगतान और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को सामने रखा है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते 1 साल में कैसे कोरोना की चुनौती का सामना किया, इसका भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत अटल की कविता के साथ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लेख का शीर्षक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिया है। लेख की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा से की गई है, जो कि इस तरह है। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगत चिरंतन के सौ इतत अब, सुरसम्मत हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अपनी चिट्ठी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है कि जब कोरोना का संकट बढ़ा था, तब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने उनसे बात की थी और प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन आज यूपी कोरोना के खिलाफ शानदार ढंग से लड़ाई को लड़ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हमने एक टीम बनाई जो हर रोज मीटिंग करती थी और प्रदेश में कोरोना के हालात पर नजर रखती थी। सीएम ने इसके अलावा प्रदेश में बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे के जाल, करोड़ों लोगों को दिए गए बिजली कनेक्शन, डिफेंस कॉरिडोर और इज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में यूपी के नंबर 2 आने का जिक्र किया और सरकार की उपलब्धि बताई। योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान, नए कृषि कानूनों की तारीफ भी अपनी चिट्ठी में की है। प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, दीप दीपावली, ब्रज रंगोत्सव समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिक्र भी किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। तब बीजेपी किसी चेहरे के साथ मैदान में नहीं उतरी थी, लेकिन तब के गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया तो हर कोई हैरान था। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।